हेलो, मैं समय। वो कल के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था। कल जो भी कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दरअसल मैं अपनी पेन फ्रेंड परी से मिलने आया था। इनका फ्लैट तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर है और कल इनका भी बर्थडे था, तो मैं इन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। एक्चुअली हम पिछले 3 साल से पेन फ्रेंड हैं और हमने एक दूसरे को नहीं देखा, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बहुत अच्छा सरप्राइज था। क्या मुझे तुम्हारा गिफ्ट लौटाना होगा? अरे बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा गिफ्ट है और मैंने तुम्हें बड़े प्यार से दिया है। एक बार बाय मिस्टेक आ गए थे, एक बार हमारे बुलाने से आ जाओ, कॉफी पीते हैं साथ में। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो एक्चुअली परी आज इंडिया से US शिफ्ट कर रही है और मैं परी के फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, सो मुलाकातें होती रहेंगी। समय, 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 हेलो हेलो समय, हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो समय, मेरा नाम परिणीति है, और तुम कैसे हो? आई एम ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा फोन में बिजी था, इसलिए शायद तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और कल शाम क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मेरा फोन है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज परिणीति, प्लीज कम इन। तुम कंफर्टेबल हो जाओ परी। परी तो कह सकता हूँ ना तुम्हें, मैं तब तक तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। क्या तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो? ऑफ कोर्स, ये कैसा सवाल है? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में नहीं जानती? तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने गांव के एक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ तो मुझे पढ़ाई के उतने मौके नहीं मिले, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में नहीं जानती। आई एम सॉरी परिणीति, आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट, आई एम सो सॉरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक तरह का कंप्यूटर इंजीनियर ही होता है, सो तुम मुझे कंप्यूटर इंजीनियर कह सकती हो। मैं यहाँ नर्स के कोर्स के लिए आई हूँ। वेरी नाइस जॉब। अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। ओ समय, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुम्हारा मुझे वो किस करना और जो मेरी उस टाइम फीलिंग थी, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ समय, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। समय, तुम बाहर से खाना मंगवाते हो? हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं इस खाने से खुश हूँ। तुम चाहो तो मुझे खाने के लिए पे कर सकते हो। फाइन, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे फ्लैट की स्पेयर की है, इसे तुम अपने पास रखो ताकि तुम समय पे खाना बना सको और तुम्हें मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि मेरी शिफ्ट चेंज होती रहती हैं, कभी डे शिफ्ट होती है कभी नाइट शिफ्ट, तो तुम्हारे पास ये की रहेगी तो तुम समय से खाना बना पाओगी। समय के लिए केक बना देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। मैंने सारा खाना भी बना कर रख दिया, रात हो गई है, समय अभी तक नहीं आया। हेलो हेलो परिणीति,
सामने खड़ी हूँ, किधर हो तुम? आई एम सॉरी सोनिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और कल तक वापस आऊंगी, वापस आकर तुमसे मिलती हूँ। तुम रात को घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे तुम सारी रात? Come on, you are not my wife, you are not my girlfriend. तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में तो कोई ना कोई वाइफ बनेगी ना, उसे ये सब नहीं अच्छा लगेगा। Not be angry, be calm. और हाँ, मैं एक पढ़ी लिखी, intellectual, intelligent, कॉन्फिडेंट और अंडरस्टैंडिंग लड़की से शादी करूंगा जो मेरी फ्रीडम को क्वेश्चन ना करे। ऐसी लड़की तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएगी? खाना तो मेड भी बना सकती है, और मुझे मेड नहीं, वाइफ चाहिए। एक ऐसी वाइफ जिसके साथ मैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स डिस्कस कर सकूं, जो मुझे समझे और मैं जिसे समझूं। शांत हो जा परी, अभी तो तूने उसे अपने मन की बात बताई भी नहीं है, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? आई एम नॉट योर मेड, कांट यू सी माई इमोशंस? आई लव यू बास्टर्ड, लव यू। सोनिया, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मुझे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है, किसी भी कीमत पर।